मेहनत का फल होता है मीठा मीठा। ला 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 ला। हूँ? क्या कहा? सच में मैं तो बिल्कुल आखिरी में जाऊंगी। हाँ, बहुत ही बढ़िया था वो तो। जानती हो, मुझे सबसे पहले जाना अजीब लग रहा है। सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अरे तुम शर्माओ मत। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। नहीं, जाओ भी। तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हारा भविष्य बहुत ही उज्जवल है। क्या कहा? सच में? रेखाओं के हिसाब से पता चलता है कि 5 साल में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी और उसके बाद तुम मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट भी जीतोगी शिजुका। क्या सच में? सुनियो, क्या ऐसा हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ। फिर से सबको झूठा भविष्य बता रहा है। वो हमेशा झूठ बोलेगा। जैसे तुम हमेशा मशहूर हो जाओगे या दुनिया के प्रेसिडेंट बन जाओगे। सुनियो, मैं भी सोच रहा था कि मैं क्या बनूंगा, क्या एक सिंगर या फिर एक स्पोर्ट्समैन। चलो मेरा हाथ देखकर बताओ मेरा फ्यूचर क्या है। सुनियो, शायद तुम स्पोर्ट में ही जाओगे। जियान, क्या सच में ये लिखा है? मुझे बताओ सुनियो, मेरा भी हाथ देखकर बताओ ना। मुझे विश्वास नहीं होता, ये सब इतना झूठ सुनकर इतने खुश कैसे हैं? सुनियो देखो, मेरी बारी है, बताओ ना, बताओ ना। क्या तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं सिंगर नहीं बन सकता हूँ? तुम सिंगर भी बन सकते हो, लेकिन ऐसा सिंगर जो गाता नहीं है। क्या ये भी लिखा है? अब मैं ये और नहीं देख सकता, ये बातें बिल्कुल सच नहीं होने वाली है। तुमने सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। कोई भविष्य बता सकता तो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं होता। ये आखिर हो कौन सकता है? मेरे ख्याल से वो खुद अपना भविष्य जानना चाहता है। एक आइडिया आया। मैं घर आ गया। तुम्हारा स्वागत है। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं चाल चलूंगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। लेकिन क्यों? मुझे डोरा के ज्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे यकीन है ये जरूर कोई ना कोई गड़बड़ करने वाला है। मैं एक छोटी चाल चलूंगा। क्या कहा तुमने नोबिता? हाँ सही कहा, हाथ पढ़ना और चेहरा पढ़ना तो पुराने जमाने की बातें हैं। अब हम जबान पढ़ेंगे। क्या जबान लेकर बताओगे? मैं उसे देखकर भविष्य बताऊंगा। अगर तुम झूठ बोल रहे हो नोबिता तो तुम मुश्किल में पड़ सकते हो, समझ गए तुम? नोबिता तुम मेरी बात सुनो, क्या तुम मेरी जीप पढ़ो? क्या तुम्हें यकीन है कि जो कुछ तुम बताओगे वो सही होगा? हाँ सुनियो, बिल्कुल सही। और शिजुका का भी? अब तुम लोग जल्दी भी करो। तो ठीक है। अरे मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है, कोई पानी की प्रॉब्लम होने वाली है शिजुका। जियान तुम्हें आंटी परेशान करने वाली है, पता नहीं इसका मतलब क्या हो सकता है। कौन सी आंटी परेशान करेंगी? मुझे नहीं पता। देखो तुम फालतू की कहानियाँ बना रहे हो नोबिता, भला जबान से कोई कैसे भविष्य बता सकता है। जियान भैया इसको देखो, माम मेरे लिए गोल्ड फिश लेकर आई है। लाओ, इसे मुझे दे दो। क्या हुआ? आग की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम। जियान देखो तुमने अपनी बहन की गोल्ड फिश के साथ क्या किया, क्यों किया तुमने ऐसा? ऐसा नहीं है मॉम, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। इसकी आंटी की प्रॉब्लम। देखो मेरे हाथ में गोल्ड फिश आ गई। जियान ये तुमने क्या किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये तो मजेदार था, सच बोलूं तो मैंने ये सब टाइम मशीन में जाकर देखा था। अरे अरे रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो जरा। मेरी जीभ भी पढ़ कर देखो जरा। प्लीज तुम मेरी भी मदद कर दो, मेरा भी भविष्य जीभ पढ़ कर बता दो। लेकिन वो सब तो झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहो तुम, मैंने सब देखा था, तुमने सबका भविष्य एकदम सही बताया। बोलो है ना, मैं तो बिल्कुल चौंक गया था। क्योंकि मैं वो सब पहले ही देख कर आया था टाइम। मैं क्यों बताऊं तुम्हें, मैंने
सभी को देखना छोड़ दिया। रुक जाओ, मुझे मेरा भविष्य बता दो, मेरी मदद करो। आओ चलो, मेरा घर यहीं पास में उधर कोने पर है। ये अम्ब्रेला क्यों पकड़ रखी है? आज बहुत गर्मी है ना, वैसे मैं गिर भी गया था तो मैंने सोचा छड़ी की तरह इसे इस्तेमाल कर लूंगा। देखो मेरा घर आ गया। तुम जहाँ चाहो वहाँ बैठ जाओ। हाँ। देखो दरअसल मेरा नाम है गैंगको, मैं एक राइटर बनना चाहता था। क्या राइटर? हाँ, मैं तब से लिख रहा हूँ जब मैं एक स्टूडेंट था, लेकिन मेरी लिखी किताबें कोई भी नहीं खरीदता। क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है मुझमें टैलेंट ही नहीं है, इसीलिए आजकल मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है कि मैं ये काम छोड़ दूं और कुछ और काम कर लूं, तभी कुछ बात बनेगी। लेकिन मैं लिखना नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे अपना सपना पूरा करना है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैं कड़ी मेहनत करूँ तो। ऐसी बात है, क्या मैं राइटर बन सकता हूँ? बस मुझे इतना पता लग जाए मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। वो दरअसल, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरी जबान देखकर मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जाकर आता हूँ अभी। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आया। तुम तो मेरा भविष्य बताने वाले थे। अभी देखकर आता हूँ। अरे चला गया। सही कहा, क्या मैं प्लीज? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस काम के लिए टाइम मशीन नहीं दे सकता हूँ, समझे तो? मुझे पता है, लेकिन आखिरी बार मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। डोरेमोन, मैं जानना चाहता हूँ कि वो राइडर बनेगा या नहीं। डोरेमोन समझो ना प्लीज, डोरेमोन। अच्छा अच्छा ठीक है, चलते हैं। ये, मुझे पता था तुम हाँ ही कहोगे। आज से 5 साल आगे चलते हैं नोबिता। हाँ, बस वो मशहूर राइडर बन चुका हो डोरेमोन। हम 5 साल आगे आ गए हैं। मुझे लगता है हमें किसी से पूछना चाहिए। सुनिए आंटी। हाँ, क्या बात है बोलो। क्या आप जानती हैं मशहूर राइटर गैंगको का घर कहाँ पर है? हमें उनसे कुछ काम है। क्या कहा, गैंगको? मैंने तो ये नाम कभी भी नहीं सुना। लगता है वो अभी तक मशहूर नहीं हुए हैं। उनका घर वो रहा, देखो। हाँ, अरे ये लीजिए मेरी सारी किताबें, सब तोड़ लीजिए। अब भी है मेरे किस काम की। वो क्या बेच रहे हैं? ये लीजिए। क्या इसके बदले आप मुझे कुछ नूडल्स वगैरह नहीं दे सकते? मेरे कुछ खाने के काम आ जाएंगे वो। देखिए, हम ऐसी चीजों का लेन देन नहीं करते हैं। क्या आपको कुछ और चाहिए? यही दे दीजिए। ये लीजिए। मैं और नहीं देख सकता। मुझे लगता है उन्हें राइटर बनने का सपना छोड़ देना चाहिए डोरेमोन, लेकिन उन्हें ये बताना बहुत मुश्किल है। मैं उन्हें नहीं बता सकता। तुम्हें उन्हें बताना चाहिए। क्यों ना तुम उन्हें बता दो डोरेमोन। नहीं, मैं क्यों बताऊं? अरे वाह, तुम आ गए, बहुत देर कर दी। अब तो मेरा भविष्य बता दो, मेरी जबान को जरा ध्यान से देखो तुम। मैंने सही कहा था, इसका मतलब मैं नहीं बन सकता। हम मुझे कुछ नया काम शुरू कर देना चाहिए और कुछ पैसे कमाने चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। जिंदगी में लिखने के अलावा भी बहुत से काम हैं, जैसा कि कहा गया है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, अगर जीना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मुझे यकीन है वो कुछ कर दिखाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन अगर वो राइटर नहीं बने तो क्या होगा डोरेमोन? फिक्र मत करो, उनकी जिंदगी अपने आप ही बदल जाएगी, वो कोई और काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो बहुत पैसे कमाएंगे, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत अमीर हो जाए। चलो डोरेमोन, चलकर पता लगाते हैं उनकी जिंदगी कैसे बदली होगी। इन सवालों का जवाब जानते हैं। सुनिए आंटी। हाँ, अब क्या हुआ? क्या आपको पता है कि बहुत अमीर आदमी गैंगको का घर कहाँ पर है? एक बहुत बड़ा सा बंगला। मुझे नहीं पता। बड़ी अजीब बात है, उनके घर जाकर देखते हैं। हाँ, ये क्या? ये तो वही पुराना टूटा हुआ घर है। ये तो और भी बुरी हालत में है। दरवाजा खोलिए, दरवाजा।
ना जाने वो किस हाल में होंगे। नहीं नोबिता ऐसी बातें मत करो। दरवाजा खोलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, जो इस घर में रहता था वो बाहर काम पर गया हुआ है। इसका मतलब उन्होंने सच में अपने सपने को छोड़ दिया। अरे तुम लोग यहाँ पर तुम मुझसे मिलने आए हो। मैं इसे धोकर यहाँ से निकल सकता हूँ, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ना? क्योंकि यहाँ पर सब खाने से जुड़ा हुआ काम होता है तो मैं कभी भी भूखा नहीं रहता। हर वर्कर को यहाँ फ्री में खाना मिलता है। पर 5 साल में तुम बड़े क्यों नहीं हुए? वो दरअसल बात ये है कि आपने लिखना बंद कर दिया। मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ, मैं दरअसल एक नॉवल लिख तो रहा हूँ। मैं तुमसे अपना भविष्य पूछ रहा था, लेकिन मेरा भविष्य तो मेरे लिखने में ही है। जिंदगी में लिखने के अलावा और कुछ भी नहीं है मेरे लिए, चाहे इसमें पैसे ना मिले। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैंने पार्ट टाइम में काम भी शुरू कर दिया है। वैसे मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ इस काम से, लेकिन मुझे लिखने के अलावा कुछ और आता भी नहीं। और अब मैं एक बात समझ गया हूँ, जिस तरह लिखने में मुश्किल होती है, दुनिया में हर काम में थोड़ी बहुत मुश्किल तो आती ही है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ऐसा काम करूं जिससे पैसे आ जाएं और साथ में मैं लिखता भी रहूं। अब मुझे कोई एक काम करने की जरूरत नहीं है, मैं ये दोनों काम एक साथ कर सकता हूं। मुझे पता है ये आसान काम नहीं है, पर धीरे धीरे इसमें मजा आने लगा है और अब मैं लिख भी पा रहा हूँ, जिससे कि मुझे बहुत खुशी मिलती है। बेशक दुनिया को मेरी लिखी हुई किताब पसंद आए या ना आए, पर मुझे अपनी किताब बहुत अच्छी लगती है। सही कहा। देखा यहाँ से कितना अच्छा नजारा दिखता है। अरे पूरा घर। गेंको सर, दरवाजा खोलिए। गेंको सर, आपसे हमें मिलना है, खोलिए दरवाजा। खोलिए सर, क्या महसूस हो रहा है? हमें बताइए। क्या सच में मेरे लिखे नॉवल ने प्राइज जीता है? बोलिए सेंसाई सर, आप चुप क्यों हैं? हमें अपनी जवाब दीजिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने वही रास्ता चुना जो उनके दिल ने कहा, मुझे खुशी है। हे इनोबिता, भविष्य बताने वाले प्लीज बाहर आओ। देखो मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, चाहे जो भी हो जाए, क्या ये मुमकिन है? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जो तुम्हारा दिल कहे तुम उसी रास्ते पर चलो। नोबिता तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, तुम्हें मेरा कितना ख्याल है। मैं अब तुम्हारे लिए एक गाना गाने वाला हूँ, ठीक है ना? सुनो नोबिता, तुम्हें हमारा भविष्य भी बताना होगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। आप